हेलो एवरीवन, आज हम जान रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या होता है, इसका यूजेस किस प्रकार से किया जाता है। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारी क्लास है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, यी है, ये है, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। लेकिन इसके अलावा एक इसकी जो दूसरी पहचान ये भी है कि जो कार्य अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुए हैं और उनका प्रभाव वर्तमान में पड़ रहा है, तो वो सेंटेंस भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूं कि मैंने अभी चाय पी है, लास्ट में मेरे हमारे पास मिल रहा है पी है। अब ऐसे पहचान यहाँ पर देखो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये से ऐसे शब्द तो यहाँ देखने को मिल नहीं रहे, लेकिन लास्ट में मिला है पी है। इसका मतलब उसने चाय तो पी, लेकिन साथ साथ तो उसका प्रभाव जो है वर्तमान में। चलिए ऐसे सेंटेंसों को बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इस प्रकार के सेंटेंस जिसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है आदि शब्द जो आते हैं। बात करते हैं इसके इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की। तो ही सी इट नेम, इसके साथ में तो लगेगा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आई वी यू दे इन चारों के साथ लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, चलिए देखते हैं इन एग्जांपल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बनाना है। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है मेरी पुत्री ने सारे सेब खा लिए हैं। अब बात करते हैं पहले पहचान की, तो देखे लास्ट में क्या आया इसमें, ये है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंसों का जो स्टार्टिंग में आता है वो आता है हमारा सब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस है वो स्टार्टिंग में क्या मिलेगा हमारे पास, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका नॉट लग जाएगा, अदरवाइज नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद इसमें आता है ऑब्जेक्ट, और कुछ बच जाता है तो एटीसी हम लास्ट में इसको लिख लेते हैं। बात करते हैं इन सेंटेंसों की, तो सबसे पहले देखते हैं मेरी पुत्री ने सारे सेब खा लिए हैं। सब्जेक्ट कौन है इसका, सेब खाने वाली कौन है, मेरी पुत्री है, तो यानी कि माई डॉटर उसके बाद आते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इसमें हैज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, माई डॉटर हैज। उसके बाद मेन वर्ब देखते हैं खाना, खाना को बोलते हैं ईट। उसके बाद लाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें सारे सेब, सारे सेब का मतलब ऑल द एप्पल्स। नेक्स्ट सेंटेंस है वह शुक्रवार से बीमार है। अब यह है देखते हैं कि यहां पर ऐसे कोई भी पहचान दी हुई नहीं है जिसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ये है सेंटेंस के अंत में आ रहे हो, ऐसी कोई पहचान नहीं है। लेकिन देखते हैं वह शुक्रवार से बीमार है, शुक्रवार से वो बीमार है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो एक समय से बीमार चल रहा है, और समय से जब कोई बात आती है तो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों टेंस ऐसे होते हैं जिसमें समय के साथ में से लगते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस में तो अंत में चलेगा, रहा है, रही है, रहे। यहां ऐसा रहा है, रही है, नहीं चल रहा, यहां पर केवल है आया, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसका, वह शुक्रवार से बीमार है। अब लड़का है या लड़की है कोई पता नहीं चल रहा, तो हम अपनी तरफ से ही या सी दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो यहां आ गया हमारे पास में ही। उसके बाद में देखते हैं वर्ब इसकी, अब वर्ब ध्यान देना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब लानी है, और देखना है इसमें मेन वर्ब क्या है कि वह शुक्रवार से बीमार है। होना, होना को बोलते हैं हमें बी, और बी की जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो बी की प्रेजेंट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं हम इज एम आर का। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर, कंटिन्यूस की फॉर्म इसमें चलती नहीं है। फिर उसकी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होती है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन इसकी प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म होती है। पास्ट सिंपल की फॉर्म की बात करें तो वाज और वर, ये हमने पहले बता रखा है, पास्ट कंटिन्यूस की नहीं होती। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं होती। फिर फ्यूचर सिंपल शैल बी और विल बी,
इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस की नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की होती है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो ये टोटल फॉर्म है बी की, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। तो ये फॉर्म्स होती है बी की। बी की हमारी छह टेंसों में ही फॉर्म चलती है, जो कंटिन्यूअस टेंस की जो फॉर्म है वो बी में यूज नहीं आती। तो बी की जो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो फॉर्म होती है वो होती है इज एम आर यानी फर्स्ट फॉर्म। उसके अलावा परफेक्ट टेंस में होती हैज बीन, हैव बीन। पास्ट सिंपल में होती है वाज वर, पास्ट परफेक्ट में होती हैड बीन, फ्यूचर सिंपल में होती है शैल बी विल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में होती है शैल हैव बीन विल हैव बीन। तो यहां पर देखते हैं हम, यहां पर हमारा टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बी की जो फॉर्म है वो हैज बीन, हैव बीन। तो इस प्रकार से लाते हैं हम हैज बीन और हैव बीन, तो ही के साथ लगेगा हैज बीन। अगर इस प्रकार भी ध्यान नहीं रहता तो दूसरा तरीका ये है हमारे पास में कि पहले हमने टेंस की पहचान कर ली कि जो टेंस है हमारा वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हमने क्या पढ़ाया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही सी नेम के साथ काम आएगा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर ही के साथ में हैज तो हमने लगा ही लिया, अब लेके आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन ही होती है। इस प्रकार से बिल्कुल सुटेबल बैठता है। तो ही हैज बीन, अब उसके बाद बचता है समय शुक्रवार से, ही हैज बीन, उसके बाद यहां पर है बीमार, बीमार का मतलब हो जाएगा इल, तो ही हैज बीन इल, वह बीमार है। कब से है वो? शुक्रवार से है। शुक्रवार से है तो इसका मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम में समय के साथ में जब सही लगता है तो लगाएंगे सिंस। वो जो हम नेक्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसमें अच्छी तरह समझेंगे इसको कि यहां पर सिंस का यूज क्यों किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं शुक्रवार, शुक्रवार को बोलते हैं फ्राइडे। तो सेंटेंस बना हमारा ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है। अगर मैं सेंटेंस को केवल इतना बोलता कि वह बीमार है तो वह बीमार है इसका मतलब होता प्रेजेंट सिंपल टेंस, लेकिन यहां बोला गया है कि वह शुक्रवार से बीमार है, समय के साथ में से लगते ही परफेक्ट टेंस में पहुंच गया सेंटेंस। तो अगर वह बीमार है तो ये बनता ही इज इल, और ये बनता ही इज इल, वह बीमार है। लेकिन ये कह रहा है वह शुक्रवार से बीमार है, तो यहां पर परफेक्ट टेंस होने की वजह से फिर इज नहीं लग करके हैज भी लगेगा, ही हैज बीन इल सिंस फ्राइडे। आगे बात करते हैं, मैंने उसे अक्सर देखा है लेकिन मैं उसे कभी नहीं बोला हूं, मैंने उसे अक्सर देखा है लेकिन उसे कभी नहीं बोला हूं। यहां पर दो सेंटेंस है, अब दोनों सेंटेंसों में जो पहला सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, और जो दूसरा जो क्लास जोड़ा गया था उसमें ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। देखो यहां पर जो पहचान है चुका है, चुकी है, चुके या है, ये ऐसी पहचान यहां पर देखने को नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसे देखेंगे हम इसको कि यहां देखते हैं, मैंने उसे अक्सर देखा है तो लगा है देखा, इसका मतलब अक्सर देखता ही रहता है, वो देखा ही है, वर्तमान में प्रभाव नजर आ रहा है पिछली चीज का देखे हुए का। लेकिन मैं उसे कभी नहीं बोला हूं, लास्ट में क्या मिला? बोला हूं, इसका मतलब अभी वर्तमान से उसका प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस जो ऐसे कार्य जो समाप्त हो गए लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर इस प्रकार से नहीं समझ आए तो इस प्रकार से देखते हैं कि कई बार क्या होता है सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं, मैं जैसे कि मैं सेंटेंस बोलता हूं कि मैं उसे कभी नहीं बोला, ओनली अदर बोला, बोला जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं, मैं वहां पर नहीं गया, मैं उससे मैंने खाना नहीं खाया, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें खाना पीना उठना बैठना बोलना ये सारे लास्ट में आते हैं तो वो सेंटेंस तो होते हैं पार्ट सिंपल के, और उन्हीं में यदि हम है को जोड़ते हैं अंत में, जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं कि मैंने चाय पी, एक सेंटेंस मैंने छोटा सा लिखा है मैंने चाय पी, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें लास्ट में खाया पिया उठा बैठा ऐसे सेंटेंस में जब आता है तो वो होता है पास्ट का सिंपल। लेकिन मैं इसी में जोड़ दूं मैंने चाय पी है तो ये सेंटेंस में है के लगते ही जो काम किया है उसका प्रभाव वर्तमान में पड़ गया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये दोनों सेंटेंस है यहां पर, मैंने उसे देखा, अगर ये होता सेंटेंस तो पास्ट सिंपल होता, तो मैंने उसे
अक्सर दे का है लग गया तो इसका मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया। लेकिन मैं उससे कभी नहीं बोला, अगर सेंटेंस होता मैं उसे कभी बोला तो पास्ट सिंपल, लेकिन बोला हूं वर्तमान में प्रभाव है तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। मैंने उसे अक्सर देखा है तो इसका मतलब कौन देखने वाला है, मैं, सब्जेक्ट हो गया इसका आई। अब उसके बाद देखते हैं यहां पर है उसे अक्सर देखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ और आई के साथ में जो यूज होगा वो होगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो आई हैव और थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर देखना, देखना को बोलते हैं सी और सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सी। किसे देखने की बात हो रही है, उसे, उसे का मतलब हो जाएगा हिम। आई हैव सीन हिम, अभी बचा हुआ है अक्सर, अक्सर का मतलब होता है ऑफन, ऑफन मतलब प्राय या अक्सर। तो ऑफन ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले लगती है, तो इसका यूज हम मेन वर्ब से पहले करेंगे और मेन वर्ब है हमारे पास सीन, इससे पहले ऑफन का यूज करेंगे यहां। तो आई हैव ऑफन सीन हिम, मैंने उसे अक्सर देखा है। आगे बात करते हैं सेंटेंस इसमें जोड़ा हुआ है लेकिन, लेकिन का मतलब हो गया बट। मैं उससे कभी नहीं बोला हूं, कौन बोलने वाला है, मैं, सब्जेक्ट हो गया इसका आई। फिर उसके बाद में है कभी नहीं बोला हूं, इसका मतलब सेंटेंस देखो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई के साथ यूज करेंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो हैव और बोलने को बोलते हैं स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, तो यहां हो जाएगा स्पोकन। अब इसके बाद में यहां पर मैंने रिक्त स्थान क्यों छोड़ा है, इसमें क्या दिखा हुआ है कभी नहीं, कभी नहीं का मतलब होता है नेवर और नेवर ऐसी एडवर्ब है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, तो नेवर लगेगा स्पोकन से पहले। आई हैव नेवर स्पोकन, मैं कभी नहीं बोला हूं, क्या बच गया उससे, तो स्पोकन टू हिम। तो आई हैव Often seen him, मैंने उसे अक्सर देखा है, but लेकिन I have never spoken to him, लेकिन मैं उसे कभी भी नहीं बोला हूं। तो ये हमने तीन एग्जाम्पल लिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स और कुछ इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल्स भी हम आओ। तो चलिए स्टूडेंट कुछ और सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं हम। अगला सेंटेंस है हमारा, क्या तुमने द अरेबियन नाइट्स नाइट पढ़ी है। सेंटेंस देखते हैं लास्ट में दिया है पढ़ी है, इसका मतलब कोई काम किया है लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में है के साथ में लग रहा है। तो देखते हैं सेंटेंस हमारा है क्या, सेंटेंस का प्रारंभ क्या है, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस हुआ हमारा इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएं, ऐसे सेंटेंस जिनका प्रारंभ क्या से होता है उन सेंटेंसों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनेगा, तो देखते हैं लास्ट में पड़ी है सेंटेंस हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो ऐसे सेंटेंसों का प्रारंभ जो होगा वो हैज या हैव से होगा। अब हैज को लगाए या हैव को लगाए इसका डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पर तुमने, तुमने का मतलब हो गया यू, यू को तो हमने लिखा लेकिन यू के साथ जो एच भी आएगी वो आएगी हैव, तो इसका मतलब ये हुआ सेंटेंस का जो प्रारंभ होगा वो हैव से होगा। तो एच यू हमने स्टार्टिंग में लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया यू, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब लाते हैं पढ़ना को बोलते हैं रीड और रीड की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है तो यहां रीड का रीड हो जाएगा। तो हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ी है, क्या पढ़ने की बात है, ऑब्जेक्ट क्या है, द अरेबियन नाइट, ये एक बुक का नाम है तो द अरेबियन नाइट, ये एक बुक का नाम हो गया द अरेबियन नाइट और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार के सेंटेंस जिनका प्रारंभ क्या से होता है उनका प्रारंभ हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। दूसरा देखते हैं क्या डाकिया अभी तक नहीं आया है, ये सेंटेंस भी क्या स्टार्टिंग में ही मिला है हमारे पास में, तो इसका प्रारंभ भी हमारा सब हेल्पिंग वर्ब से होगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारे पास में डाकिया, डाकिया को बोलते हैं पोस्टमैन, तो इसका सब्जेक्ट हो गया पोस्टमैन। अब पोस्टमैन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे यहाँ पर हैज, तो स्टार्टिंग करेंगे हैज से, उसके बाद में द पोस्टमैन, द क्यों लगाया हमने, पोस्टमैन को एक निश्चित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि हमारा वाला जो डाकिया है क्या वो नहीं आया क्या, तो इसलिए तो यहां पर हमने किसको यूज किया है द का, तो
हैज द पोस्टमैन की क्या डाकिया नहीं आया है, नेगेटिव सेंटेंस है तो पहले लगेगा नेगेटिव के लिए नॉट, उसके बाद मेन वर्ब लेके आएंगे आना, आना को बोलते हैं हम कम, और कम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। तो हैज द पोस्टमैन नॉट कम, उसके बाद में बच गया अभी तक, और अभी तक के लिए लगाएंगे येट। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन है मार्क। तो हैज द पोस्टमैन नॉट कम येट की डाकिया क्या अभी तक नहीं आया है, क्या डाकिया अभी तक नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं, क्या तुमने कभी ऊंट की सवारी की है, सेंटेंस का प्रारंभ क्या से ही है, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज या हैव, पहले देख लेते हैं, टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का ही है, ऊंट की सवारी की है लगा हुआ है लास्ट में, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो देखते हैं सब्जेक्ट है हमारे पास यू, और यू के हिसाब से चलेगा यहाँ पर हैव, तो हैव यू। फिर उसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब की, मेन वर्ब है सवारी करना, सवारी करना को बोलते हैं राइड, और राइड की थर्ड फॉर्म हो जाती है राइडन। आगे बढ़ते हैं, हैव यू राइडन, उसके बाद सवारी किसकी कर रही है, ऊंट की, ऊंट का मतलब हो गया ए कैमल, हैव यू राइडन ए कैमल। अब बच गया इसमें कभी, कभी का मतलब होता है एवर, ध्यान रखना कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। कौन कौन सी ऐसी एडवर्ब होती है जो मेन वर्ब से पहले आती है, इसमें हमारे पास होता है ऑलवेज, नेवर, एवर, इसके अलावा ऑफन, कई बार आपको जनरली मिल सकता है, इसके अलावा सेल्डम। तो इस प्रकार की कुछ एडवर्ब ऐसी होती है जो हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, तो यहां भी हमारे पास एक एडवर्ब आई है वो है एवर, एवर का मतलब होता है कभी, तो ये एवर जो है वो मेन वर्ब से पहले लानी है, तो मेन वर्ब है हमारे पास में यहां पर, इससे पहले हमको लाना है एवर, तो यहां लग जाएगा हमारे पास एवर, हैव यू एवर रिडन ए कैमल, और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या तुमने कभी ऊंट की सवारी की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, मोहन कहां गया है, सेंटेंस के बीच में लगा है कहां। ध्यान रखिए स्टूडेंट, हमने पहले बताया था कि क्या कब कैसे कहां कौन ऐसे सेंटेंस, अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं ऐसे शब्द तो फिर इनका प्रारंभ हम डब्ल्यू एच वर्ड से करते हैं, तो स्टार्टिंग का डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड है यहां पर कहां, और कहां को हम बोलते हैं वेयर, तो स्टार्टिंग करेंगे वेयर के, उसके बाद लेके आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, मोहन गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज या हैव, तो यहां लगेंगे पहले तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लेके आएंगे मोहन, उसके बाद मेन वर्ब, जाना को बोलते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म हो गई गोन, तो वेयर हैज मोहन गोन, मोहन कहां गया है, लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। एक बात ध्यान रखनी हमेशा कि प्रश्नवाचक वाक्यों में जो भी सेंटेंस होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसके बारे में बाद में कुछ नियम लिखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, कि हमें करेक्ट फॉर्म के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां कहां करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं, कैसे कैसे सिचुएशंस में करते हैं। तो अभी हमने बात की कि यहां पर ऐसे सेंटेंसों को शामिल किया जाता है जहां जो काम है वो अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है और इसका वर्तमान में प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर भी हमने कुछ ऐसे ही टाइम को एक्सप्रेसिंग एडवर्ब ली है जिनका काम अभी समाप्त हुआ है और उनका प्रभाव वर्तमान में दिख रहा है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहला जो रूल है हमारा वो है टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब हमारे पास कौन कौन सी है, समय को व्यक्त करने वाली एडवर्ब ऐसी कौन कौन सी है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें शामिल करते हैं। तो पहली एडवर्ब हमारे पास में एवर, दूसरी है नेवर, ऑलवेज, ऑफन, ऑलरेडी, इसके अलावा येट, जस्ट, लेटली, स्टिल, सो फार, इसके अलावा और भी है रिसेंटली, रिसेंटली, इसके अलावा राइट नाउ, राइट नाउ का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, इसके अलावा येट हो गया हमारे पास में, टिल, टिल नाउ, तो ये कुछ एडवर्ब ऐसी है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर हमने दो एडवर्ब ऐसे लिए, दो तीन, ये नेवर, ऑलवेज, ऑफन, ये ऐसी एडवर्ब है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कब करते हैं
और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कब करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है शी खालिस्तान टेक 4 कप्स ऑफ टी सो फार। हमारे पास में याद दिया हुआ है सो फार, सो फार का मतलब हो गया अब तक, और ये ऐसी एडवर्ब है सो फार जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करती है। हमको सो फार के दिखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लेते हैं सी के साथ में हैज और थर्ड फॉर्म लेके आएंगे टेक की तो हो जाएगा टेकन। तो सी हैज टेकन 4 कप्स ऑफ टी सो फार, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो आई सी यू, मैंने तुम्हें देखता हूं, जस्ट यहां मिल रहा है हमारे पास में जस्ट, और जस्ट को देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भरना क्या है हमको, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू के साथ में भरेंगे यहां पर हैव। ये हमारी एच भी अभी है वो सिर्फ ओनली हमारी हेल्पिंग वर्ब हुआ है। अब उसके बाद बात करते हैं हैव की थर्ड फॉर्म की, तो हैव फर्स्ट फॉर्म में उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है और जो थर्ड फॉर्म है वो भी हैड ही होती है, तो यहां पर आएगा हैड। तो हैव एच वी है और हैड इसकी थर्ड फॉर्म है, तो इस प्रकार से दोनों मिलकर के बनेगा हैव है। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, अनु रिटर्न ब्लैंक है हमारे पास में फ्रॉम अजमेर यट, यट यहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग एड ऑन मिल रही है पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करने वाली, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनेगी, अनु के हिसाब से हैच और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। आगे बात करते हैं यहां पर कुछ दो एग्जांपल्स मैंने ऐसे लिए हैं जिनके लिए मैंने अभी बताया था ऊपर कि नेवर ऑलवेज ऑफन, और यहां भी हमारे पास मिल रहा है टूडे। ये ऐसे एडवर्ब है जो आपको दूसरे टेंसों में मिल रही है, तो देखते हैं पहले जो हमारे पास सेंटेंस है फोर्थ नंबर का टू सीमा इज इल, सीमा बीमार है, सी खालिस्तान नॉट कम टू स्कूल टूडे, वह आज स्कूल नहीं आई है। हम सेंटेंस को भर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से, क्यों भर रहे हैं इसका भी एक रीजन है कि जब दो सेंटेंस दिए गए हों या दो क्लास दिए गए हों, एक क्लास में कारण दूसरे में उसका प्रभाव नजर आए। ध्यान रखना है ये भी नियम है हमारा कि यदि दो सेंटेंस दिए गए हैं दो क्लास दिए गए हैं, तो एक सेंटेंस में कारण या एक क्लास में कारण और दूसरे में उसका प्रभाव दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यहां देखते हैं सेंटेंस हमारे पास सीमा इज इल, सीमा बीमार है, इसका प्रभाव नजर क्या आया, सी खालिस्तान नॉट कम टू स्कूल टूडे, की वह आज स्कूल नहीं आई है, तो इसका प्रभाव क्या नजर आया बीमार होने का कि वह आज स्कूल नहीं आई है, तो सी के साथ में लगेगा हैज और नेगेटिव का लगेगा नॉट, तो थर्ड फॉर्म हो गई कम। अब अगर दूसरे नियम के हिसाब से चलते हैं तो यहां पर टुडे लगा हुआ है, टुडे के हिसाब से हम प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भर देते, लेकिन ध्यान रखना है कि यहां दूसरा नियम है एक सेंटेंस में कारण और दूसरे में उसका प्रभाव नजर आए तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना होता है। सेम कंडीशन यहां पर है, वी आर टायर्ड, हम थके हुए हैं, कारण क्या है कि वी खालिस्तान वॉक 10 किलोमीटर, हम 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, 10 किलोमीटर हम पैदल चल के आए हैं, इसका कारण ये है, तो ऐसे सेंटेंसों में जिसमें कारण और प्रभाव है तो वहां परफेक्ट टेंस आएगा, तो वी हैव वॉक्ड 10 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से ऊपर लिखा हुआ है नेवर ऑलवेज, सॉरी ऑलवेज भी यहां पर नहीं आएगा, ऑलवेज तो कभी कभार मिलेगा हमारे पास में, लेकिन यहां पर है नेवर ऑफन, ये दोनों एडवर्ब जो है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो अभी अपने नियम लिखा था कि मैंने अक्सर उसे अभी देखा है, मैंने अक्सर उसे देखा है लेकिन मैं उसे कभी नहीं मिला हूं, तो ऐसे सेंटेंसों को हमने जब बनाया था तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाया था। तो ध्यान रखना इस नियम को कि जो भी सेंटेंस में हमारे पास दो सेंटेंस दिए जाते हैं यदि उनमें कारण और प्रभाव नजर आ रहा है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो हमारी क्लास आपको कैसी लगी, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करना शेयर करना ना भूलना।